मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहना, विषम परिस्थितियों में भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना, क्रोध की स्थिति में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, यह तुमने अद्भुत काम किया है। मेरे प्रिय, तुम ऐसे ऐसे कार्य करते हो कि मैं स्वयं चकित रह जाती हूँ। छुपकर दूसरों की सहायता करते हो, मन ही मन दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। किसी को चोट आती है तो तुम्हें दर्द होता है और दूसरों की खुशी सुनकर खुश हो जाते हो। जब भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ विचारों से होकर गुजरता है, मैं थाम लेती हूँ उसका हाथ संपूर्ण जीवन के लिए। मेरे प्रिय, तुम मेरी प्यारी संतान हो। तुम मेरी बनाई ऐसी अद्भुत कलाकृति हो जिसमें चमत्कार मैंने स्वयं देखा है। तुम्हारे विचार उच्च है, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और ऐसा मनुष्य नित्य सफलता की राह पर चलता रहता है। तुम अब उस मंजिल तक पहुंचने जा रहे हो जहां तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हाँ मेरे प्रिय, भूल कर भी गलत राह पर तुमने कदम जो रखा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से तुम्हें ओझल नहीं होने दूंगी। तुमने अनेकों पुण्य कमाए हैं, परंतु तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम्हें उन पुण्यों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम नित्य सफलता की राह पर कदम बढ़ाओगे। अपनी भक्ति के कारण तुम्हारी शक्ति तुम्हें नित्य प्राप्त होती रहेगी। मेरे प्रिय, आज एक संकेत भेज रही हो तुम तक, जल्द ही तुम उसे पाओगे। जल्द ही एक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अब मुस्कुराओ, चिंताओं का त्याग कराओ। सकारात्मक भाव से जैसे हर दिन तुम एक परीक्षा की तरह गुजार रहे हो, अब मुस्कुराने के दिन नजदीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय।